आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बिटर मिनान सारणी, सारणी नंबर डिटरमिनेंट है। तो डिटरमिनेंट का, तो देखो डिटरमिनेंट का है तो डिटरमिनेंट भी एक वर्ग आदि हुआ, यानी डिटरमिनेंट भी क्या है यानी सारणिक भी क्या है, तो जो है वर्ग आदि जो पढ़े थे उसी का एक छोटा सा भाग है। क्या है? छोटा सा भाग है जो क्या करता है, संख्यात्मक मान देने का काम करता है। क्या करता है? संख्यात्मक मान देने, यानी अभी तक जो तुम मैट्रिक्स पढ़े तो उसमें मैट्रिक्स से मिलता था, जोड़ते थे घटाते थे, यानी उस मैट्रिक का प्रॉपर वैल्यू क्या होगा, यानी उसका मान क्या होगा, ये नहीं निकालते थे। लेकिन डिटर्मिनेंट क्या करेगा कि उस वर्ग आवयव का संख्यात्मक मान देने का काम करेगा। असाइनमेंट दिए हैं थ्योरी का, उसमें सारा लिखा हुआ है, तो ज्यादा लिखवाएंगे नहीं, समझाने पे वर्क करेंगे। देखो यहाँ पर तो क्या है सारणिक, क्या है तो एक वर्ग आवयव हुआ है, क्या है एक वर्ग आवयव हुआ है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं उस वर्ग आवयव के संख्यात्मक मान निकालने का काम करते हैं। अगर मान लो कि कोई आवयव है, देखो जी यदि मान लो कि कोई आवयव है ए आई जे, यानी ए बराबर कोई आवयव हुआ है, देखो जी कोई आवयव हुआ है, तो इसका सारणिक क्या होगा, तो ए का सारणिक क्या होगा, देखो ए का सारणिक यानी डिटरमिनेंट, तो देखो डिटरमिनेंट को सूचित करते हैं मॉड, ऐसे भी सूचित करते हैं, हालांकि इसको मॉड नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, लेकिन बोलचाल के भाषा में इधर यूज हो रहा है ना, अनपढ़ नगरी चौपट राजा, तो वही वाली बात है। अब आखिर में यहाँ पर मॉड 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 आदमी कह रहा है तो मॉड चलो, लेकिन कभी भी इंटरव्यू में बढ़िया जगह पे कभी भी मॉड नहीं कहना डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्योंकि मॉड जो पढ़ाए होंगे तो मॉड में बताए थे कि मॉड क्या करता है, माइनस को भी प्लस कर देता है, प्लस को तो प्लस करता ही है, लेकिन डिटरमिनेंट में इसमें क्या होगा, ये मॉड अलग है, यह जो है डिनोट कर रहा है केवल डिटरमिनेंट को, इसमें जो है इसका वैल्यू निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, हाँ, या इसी को डिनोट करते हैं हम डी ई टी ए यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए, या इसी को डिनोट करते हैं डेल्टा से भी, क्या करते हैं डेल्टा से, यानी ट्रायंगल का चिन्ह दे देते हैं बराबर, समझे? तो ये वाला जो साइन लगा देंगे क्या होता है, सारणिक होता है, कोई दिक्कत, क्या होता है सारणिक होता है। तो पहले ही बता दे कि सारणिक क्या होता है, तो एक वर्ग आवयव है। इसका मतलब कि इस चैप्टर में हम जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, कोई डाउट, जितना भी क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स में पढ़े हो कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं बबुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब वर्ग आवयव, तो वर्ग आवयव किसको कहते हैं, m बराबर है, हाँ, यानी जिसमें m बराबर क्या हो, a, यानी नंबर ऑफ रो इक्वल टू का नंबर ऑफ कॉलम, यानी पंक्ति की संख्या के बराबर होना चाहिए स्तंभ की संख्या। इसका मतलब कि हमारे पास वर्ग आवयव कैसा कैसा आ सकता है, तो 1 × 1 कोटि का आ सकता है, यानी ऑर्डर, कोई दिक्कत, 1 × 1 कोटि का आ सकता है, नहीं तो दूसरा नंबर हमारा क्या आ सकता है, 2 × 2 कोटि, तीसरा नंबर हमारा क्या आ सकता है, देखते रहना, तीसरा नंबर क्या हो सकता है, 3 × 3 कोटि का हो सकता है, कोई दिक्कत, बात समझ में आया, ज्यादा से ज्यादा 11th और 12th, 12th लेवल में ज्यादा से ज्यादा क्या देता है, 3 × 3 तक देता है। अब आ जाते हैं कि इसका सारणिक कैसे निकालेंगे, यानी डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, इसका भी आ गए कि सारणिक कैसे निकालेंगे, सब असाइनमेंट में लिखे हुए हैं, इसका भी आ गए कि इसका सारणिक कैसे निकालेंगे, तो चलते हैं एक एक करके देखते हैं। तो देखो बबुआ, 1 × 1 का जब होगा इसका मतलब उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, 8। 1 × 1 का मतलब 1 में 1 से मल्टीप्लाई किए, क्या 1,
यानी कहने का मतलब कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया तो इधर बबुआ ए को एलिमेंट हो, जैसे ए हो गया, कहा गया ए, बिहार बोर्ड में पूछा था इस साल क्वेश्चन, हाँ कि ए बराबर इतना, तो कह रहे कि इसका सारणी का मान निकालो, यानी मॉड ए, या इसी को डिनोट करते हैं डी टी ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इसी को डेल्टा से करते हैं, क्या होगा, तो यही ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये खुद ए हो जाएगा, कोई दिक्कत, बात समझ में, अगर वन इंटू वन का जगह, हालांकि नहीं आता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का माई बाप नहीं होता है, कुछ वो पूछ सकता है, कोई दिक्कत। अब आ गए टू इंटू टू कोटि का, यानी इसमें चार एलिमेंट्स होंगे, तो मान लेते हैं कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, तो इधर ए बराबर कोई मैट्रिक्स है क्या, ए वन वन ए वन टू ए वन जैसे ए बराबर जैसे दो दे दिया, तो इसका देखो जी डिटर्मिनेंट क्या होगा, टू ए हो जाएगा। अब इसमें चलते हैं बाबू, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा टू इंटू टू का, तो देख लो बाबू, या इसी को डिनोट करेंगे डी टी डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डेल्टा से। अब इसमें कैसे होगा, तो इसमें भी क्या करना है, तिरछा तिरछी गुणा करना है, क्या करना है, तिरछा तिरछी गुणा करना है, क्या माइनस प्लस ना है, माइनस प्लस माइनस हेनिया माइनस तो होखबे करी, मान लो तो फिर भोजपुरी देना हमरा के पड़बो, हम मान लो कि जब तिरछा तिरछी कुछ करबो तो विलेन तो कोनो अइबे करे, मारी के कहीं न हो कि सीधा हो जाए बबुआ, टेढ़ कहाँ चलता रहे, आज तो देखो आंखों से आंखों चार करो, कैसे चार करो, तो तिरछा तिरछे देखो, ये इसके साथ करेगा और ये वाला इसके साथ करेगा, कोई दिक्कत, तो देखो कैसे करेंगे, ए वन वन ए यानी क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया तिरछा तिरछी, अब फिर देखो है क्या हो जाएगा, ए वन टू आई ए टू टू माइनस आएगा, आई बताओ धरती पे कहीं इतना आसान है जी, आज कि तुम कहीं जाके तिरछा तिरछी नैना चार करोगे, आज कोई छोड़ देगा, आज तो माइनस लगाया जाता, जब भी पीटा पीटी आएगा तो का माइनस जब भी हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछा तिरछी गुणा, अब बीच में क्या करना है, एगो दीवार लगा देना है, यानी माइनस का, क्या करना है, ना प्लस का नहीं लगेगा, क्या लगेगा, माइनस का, कोई दिक्कत, अब बात को समझो, एगो एग्जांपल और दे देते हैं, देखो इधर क्लियर करो, अगर ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है क्या, टू थ्री फोर एट चढ़ते ही बारह माइनस, हाँ तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, पहले इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसका क्या होगा, पहले तो सोलह हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, बारह यानी क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, बना लोगे कि नहीं बना लोगे, अब मजा आएगा तीन गुणे तीन में, तीन गुणे तीन, तो तीन गुणे तीन का कोई अभी ले लेते हैं, देख बबुआ तीन गुणे तीन का कोई अभी ले लेते हैं, बात को समझना है, देखो तीन गुणे तीन में क्या होगा, ए वन वन ए वन टू ए वन टू ए वन थ्री ए वन थ्री ए टू वन ए टू वन ए टू टू ए टू टू ए टू थ्री बोलो जो मॉड में टू रहेगा तब, हां मॉड में टू आएगा, मान ए थ्री वन मॉड में टू, तब पहले दो से गुणा करना है और तब जाकर उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, बात समझे, अच्छा आ रहे हैं क्वेश्चन पे, आ रहे हैं, ए लड़का कह रहा है, तो अरे लड़का कह रहा है, क्या कह रहा है कि मॉड में टू ए होगा तो हम क्या करेंगे, मॉड में टू ए रहेगा तो हम क्या करेंगे, यानी कह रहा है कि भैया हम अकेले नहीं आएंगे, हम दो को लेके आएंगे,
तब पहले है दो से क्या करेंगे मल्टीप्लाई क्या करेंगे यानी सबसे पहले हम टू ए निकालेंगे तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे दो से मल्टीप्लाई करेंगे चार छ कतना आ जाएगा जी 16 आ जाएगा कोई दिक्कत कतना आ जाएगा 16 आ जाएगा कोई दिक्कत समझ में आया। अब देखो 3×3 का चले तो यहाँ पर 3×1, 3×2, 3×3। अब इसमें देखो निकालते समय हम क्या करेंगे बात को समझना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे बार बार कह रहे कि सुधरने दो इसलिए सुधरने दो हमको। हम भी चाहते हैं कि थोड़ा बढ़िया ढंग से पढ़ाने में तो कोई कमी नहीं है ज्ञान में कोई कमी नहीं है। अब थोड़ा हम सुधर के चाह रहे हैं कि अपने लैंग्वेज पे ध्यान दें। सुधरे हुए बढ़िया किस्म के मास्टर रहना के सूत्र उठाए होता है। हाँ ये सब मांग रहा है कि सूत्र का उठा पूरी बोलते रहा। देखो यहाँ पे बबुआ इसमें क्या करेंगे तो देखो इसमें क्या करना है। देखो किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट्स को पकड़ेंगे किसी भी रो और किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को पकड़ेंगे। मान लो कि हम R1 का पकड़ लिए यानी हम क्या कर रहे हैं R1 के अनुसार क्या कर रहे हैं रो के हाँ यानी रो 1 के अनुसार बताया था मैट्रिक्स में इसके अनुसार जब चलेंगे तो हम क्या करेंगे इसके एक एक एलिमेंट्स को पकड़ेंगे। जैसे मान लो कि अभी क्या किए A11 को पकड़ ली क्या किए अब बबुआ जिसको पकड़े हो ए जिसको पकड़े हो अब बताओ उसको तो पीटोगे ही और उसी के साथ जा जाकर उसके खानदान का नाम लोगे तो अगल बगल वाला आके क्या करेगा पीटेगा। तो बुद्धि तो यही कहता है कि जिसको पीट रहे हो उसके अगल बगल को अपने तरफ मिला लो क्या करो मिला लो। तो वैसे ही इसमें भी करना है कि A11 ले लिया ना तो इसके अगल बगल तो अगल बगल में क्या होगा जैसे रो हो गया और ये क्या हो गया कॉलम यानी उस रो और उस कॉलम को क्या करेंगे छोड़ देंगे। क्यों क्योंकि अभी A11 को हम ले रहे हैं यानी पीट रहे हैं आए तो इसको छोड़ देंगे तो बचा जो तो क्या बचा A22 A23 A32 A3 कोई दिक्कत बात समझ में आया कि नहीं। तो वैसे ही बबुए वैसे ही आ गए हम वैसे ही आएंगे तो हम फिर A12 पे आएंगे तो A12 जब A12 लेंगे तो देखो इसके रो को छोड़ेंगे और इसके ही कॉलम को छोड़ेंगे तो कॉलम को छोड़ेंगे तो बच रहा है का हाई दू और हाई दू यही ना दू को बच रहा है देखो का बच रहा है A21 A31 और क्या बच रहा है A33 A23 A33 A33 अब देखो बाबू फिर बात समझो फिर हम A13 लेंगे क्या लेंगे A13 ले लिए तो A13 लेंगे तो देखो इसके रो को छोड़ेंगे इसके कॉलम को छोड़ेंगे तो जैसे इस रो को छोड़े कॉलम को छोड़े तो है चार को बच गया इसको लिख दिए A21 A32 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 कोई दिक्कत यहाँ तक तो कर लिए लेकिन बीच में हम माइनस प्लस का चिन्ह लगाना। इसका कहानी कहाँ से शुरू होता है प्लस तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता है और नहीं तो बताए थे कि देखो आई और जे को जोड़ो आई और सम आ जाए प्लस माइनस आई और जे को जोड़ो अगर विषम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो देखो आई और जे का मतलब हाई वाला
तो एक एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, दो होगा, दो सम संख्या इसलिए प्लस रहेगा, लेकिन भाई एक और दो जोड़ेंगे तो क्या होगा, तीन माइनस होगा, और तीन होगा तो विषम होगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, माइनस देखो ए वन, देखो वन और थ्री जो है क्या होगा, फोर, और फोर क्या हो गया, प्लस, सम 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 हो गया, तो ये प्लस होगा, कोई दिक्कत आज जब इतना कर लिए, जब ये जब इतना कर लिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब तो हमारे पास है देखो दो गुणे दो वाला गया, हाँ। तो जैसे इसमें तिरछा तिरछी करके बीच में माइनस लगाते थे इसमें भी लगा देंगे, यानी कहने का मतलब एक स्टेप और बढ़ जाए, देखो एक का स्टेप और बढ़ जाए तो ए वन वन तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा ए टू टू ए थ्री थ्री माइनस, फिर क्या होगा बीच में माइनस, ए टू थ्री ए थ्री टू, कोई दिक्कत माइनस, फिर माइनस ए वन टू, अब चलते हैं तो तिरछा तिरछी यानी क्या हो जाएगा ए टू वन अब आगे फिर प्लस ए वन थ्री, तो यहाँ पर चलते हैं तो देखो क्या हो जाएगा ए टू वन ए थ्री टू, हाई वाला होगा ना बीच में माइनस, ए टू टू ए टू टू ए थ्री वन, कोई दिक्कत ना, तो ये वैल्यू हम निकाल लिए, जैसे और एक एग्जांपल में हम दे थ्री रहेगा ना, शुरुआत में गलत नहीं होगा, ऊपर वहां पे ऊपर ऊपर वहां पे ए थ्री वन वहां पे और उस साइड में ये बार, हां ए थ्री थ्री के बाद होगा ए टू थ्री हो जाएगा, हां गलत या हां टू थ्री होगा, ये तीन तीन लिख दिए, हां टू थ्री होगा, देखो चलो हल्का फुल्का जानकारी रहना जरूरी है, गलती काट दे रहे हो तो इसका मतलब भी समझ में आ रहा है, वायरल होगा तो ऐसे देखेगा तो बोल जाएगा कि सर को समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो रहा है, थोड़ा देर बोल रहा है वायरल हो जाएगा, देखो एक बात बताते हैं कि पीठ पीछे बुराई वही करता है जिसकी औकात नहीं है कि आंखों में आंखें मिला के बात कर ले, हम मिश्रा वो शख्स है जो आंखों में आंखें डाल के बात करता है, हाँ समझे, क्योंकि हम उस जमाने के टीचर है जिस जमाने में सनी देओल का फिल्म चल रहा था गदर गदर, चीर चीर के दिखा देंगे हिंदुस्तान कहाँ है पाकिस्तान कहाँ है, आप भी पटना में दिखा रहे थे ना, चलो आओ जी अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि ए बराबर है, ए बराबर ले लिए, जैसे मान लो कोई एग्जांपल ले लिए दो तीन चार चार, तो अपना मन से जब अपने मन से रगड़ेगा तो कुछ और कर दो जब अपने मन से ही एग्जाम्पल लेना है तो ले लिए, अब देखो यहाँ पर बबुआ बात को समझो, अब यहाँ पर दो ले लिए, क्या लिए दो, तो क्या होगा ये वाला छूटेगा पाँच, तो ये वाला छूटेगा और ये वाला छूटेगा, तो क्या लेगा फाइव सिक्स सिक्स सेवन, फिर क्या होगा माइनस माइनस थ्री, अब देखो ये वाला छूटेगा ये वाला छूटेगा कोई दिक्कत, अब इसको बना लेंगे तो तिरछा तिरछी गुणा सात पाँच पैंतीस छः चौबीस जैसे जैसे हिंदी तुम लोगों का 100 नंबर का हो गया ना, तो भाई पढ़ने में तो मन लगाओगे ही ज्यादा, और जब जैसे ही ज्यादा लगाओगे तो दो चार हिंदी का वर्ड खोज करोगे, जैसे चार छः दुनी बारह
माइनस वन होगा, माइनस वन होगा, माइनस टू, माइनस टू जाएगा, माइनस दस, माइनस दस से गुणा कर तो माइनस माइनस प्लस तीस माइनस में चौतीस और चौतीस में से तीस घटेगा माइनस में चार। दिक्कत, कॉपी करो, बंद देना, आगे पढ़ाई हो, कॉपी करो।